नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पुस्तकालय अध्यक्ष परीक्षा जो 19 सितंबर 2020 को हुई, जिसका अभी जो फाइनल आंसर की आने का अभी इंतज़ार हो रहा है। फर्स्ट आंसर की इसकी आ चुकी है और उसके बेस पर जो अभी तक मार्क्स जो शेयर किए हैं, जो सर्वे जो किया जा रहा है उसमें आई गेस कुछ दिनों में 2000 के आसपास कैंडिडेट्स के मार्क्स आप देख सकेंगे। पूरी जो शीट है वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक काफ़ी समय से जो है आपको मिल पा रहा है। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप उन सभी कैंडिडेट्स के कैटेगरी वाइज जो है मार्क्स देख सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक अपने मार्क्स शेयर नहीं किए हैं वो वहाँ पर शेयर कर सकते हैं अपनी इच्छा से, और सही डेटा ही आप शेयर करें। बाकी तो आपका क्लियर हो ही जाएगा जब आपका जो रिज़ल्ट आएगा फाइनल आंसर की आएगी, तो वो बात अलग है। और इसमें अभी तक 1800 के आसपास हो गए हैं और ये सर्वे जो है अभी तक चल रहा है और डे बाय डे इसमें कैंडिडेट्स बढ़ ही रहे हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने अपना मार्क्स और कैटेगरी के अकॉर्डिंग पूरा जो सर्वे का जो गूगल फॉर्म है वो नहीं फिल किया है तो भर सकते हैं। 3 से 4 सेकंड का समय आपको इसमें लगेगा, तो वो आप ज़रूर दे दीजिएगा। उसके बाद आप बाकी लोगों के मार्क्स भी देख सकते हैं। उसके बाद काफ़ी सारे जो रिव्यूज़ कैंडिडेट्स के आए हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, जो कि आपका स्पेसिफिकली बात करें लाइब्रेरियन से ही है, तो उस पर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ सकते हैं। और वहाँ पर आप अपने जो ट्वीट्स हैं वो भी शेयर कर सकते हैं इस में पदों की बढ़ोतरी को लेकर के। तो यहाँ पर पूरा चार्ट आप देख सकते हैं कितने कैंडिडेट्स आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग हैं। और हम आज इसमें स्पेशली बात करने वाले हैं फॉर्म कितने हैं। तो जैसे 87,459 के आसपास टोटल फॉर्म जो ऑनलाइन फॉर्म फिल किए गए थे, इसमें जनरल के कितने हैं, ओबीसी के कितने हैं, ईडब्ल्यूएस के कितने हैं, वो सभी आपको देखने को मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। पदों का वर्गवार वर्गीकरण क्या दिया गया है तो वहाँ से आप ये देख लेंगे। साथ में जो सर्वे रिपोर्ट है उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो उस पर बनाई गई है, बाकी अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में और वहाँ पर भी देख सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। और बाकी जैसे फाइनल आंसर की बात करें तो अभी 1 महीना मिनिमम ले सकते हैं फर्स्ट आंसर के बीच, बट फिर भी इस महीने नहीं तो अगले महीने तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि उस महीने में आनी है, थोड़ा टाइम लग जाता है, हर एक वैकेंसी का अलग अलग स्केड्यूल उसमें रहता है। तो और इसके अलावा इससे जुड़ी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और कैंडिडेट्स तो आपके 87,000 के आसपास थे, लेकिन जैसे हम बात करें जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है वो उनसे कम है, तो लगभग 56,000 के आसपास लोगों ने ये एग्ज़ाम दी है। तो ये कुछ डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टोटल फॉर्म कितने हुए हैं, मार्क्स अपने शेयर कर सकते हैं, सर्वे रिपोर्ट आप देख सकते हैं वहाँ से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के इस वीडियो में इतना ही। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बाकी आप सर्च कर सकते हैं एग्जाम सिटीज़ नेहा एडुकेटर, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।